पौधरोपण को लेकर कर्मचारियों द्वारा अधिकारियों पर लगाया जा रहा भ्रष्टाचार का आरोप। धरने पर बैठे कर्मचारी, मौके पर पहुंचे विधायक अशोक मस्कोले। मंडला में वन विभाग की मौगांव परियोजना के कर्मचारी अपने अधिकारियों के विरोध में कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि पौधारोपण में भ्रष्टाचार किया गया है और दस्तावेजों को ठीक करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं अधिकारी कह रहे हैं कि पौधारोपण जुलाई माह में पूर्ण हो गया है, जबकि इन कर्मचारियों का कहना है कि अभी भी पौधारोपण हो रहा है। अब इस विषय को डॉक्टर अशोक मस्कोले ने संज्ञान में लिया है, देखें क्या आगे कार्रवाई होती है। अभी जो जुलाई में जो वृक्षारोपण होना था 2022 में, वो अगस्त और सितंबर महीने तक किए गए हैं और कर्मचारियों से दबाव बनाया जा रहा है कि जुलाई में लगाए हैं, वाउचर भी बना दो और रिपोर्ट भी दो जुलाई का। इस तरह से अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य ये होना चाहिए कि पौधे समय पे तैयार हों जो अपने रोपणी स्थल पर, और उसके बाद में सही तैयार होने के बाद में वो क्षेत्र में जहाँ जहाँ वृक्षारोपण हो वहाँ पर उसका सप्लाई हो। कि वहाँ जो पौधे तैयार ही नहीं किए गए हैं, और जब पौधे तैयार नहीं थे, जब आदान फंड में वृक्षारोपण की बातें आई, तो जुलाई अगस्त सितंबर में बाहर कहीं से बुला के ये पौधे लगवाए गए। प्लांटेशन मतलब किस महीने में पूर्ण हो गया अपना? ऑलमोस्ट हमने जुलाई में कंप्लीट कर दिया पूरा प्लांट। अधीन स्तंभों से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं हो पा रही है, और हम लोग अब और बात करेंगे, अधिकारी को भेजेंगे अपने अधीनस्थ, जो भी और इनकी समस्याएँ होंगी सुलझाएंगे। थैंक यू।